अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन शामी कबाब, ठीक है। तो चिकन शामी कबाब के लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन ले लिया इस वक्त, और पाव मैंने इसमें चने की दाल ऐड की है। उसके बाद जो है स्पाइसेस उसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, काला ज़ीरा और ब्लैक पेपर है, 2 इलायचियाँ हैं, 2 लौंग हैं, 2 सिनेमन है और साथ में सॉल्ट है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे चिकन शामी कबाब तैयार होने लगे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि मैंने चूल्हे के नीचे फ्लेम ऑन कर ली है, अच्छा फ्लेम ऑन करने के बाद मैंने एक छोटा सा साइज़ का प्याज ऐड किया, ठीक है। प्याज को हमने इतना बारीक नहीं करना, बस नॉर्मल सी साइज़ की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल से हमारी साइज़ की कटिंग हो गई है। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे 1 teaspoon मैंने इसमें पेस्ट ऐड कर लेना, ठीक है। पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल देना है चिकन, जो हमारा 1 kg चिकन है, ठीक है। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हमारा चिकन भी ऐड हो गया। अच्छा चिकन ऐड करने के बाद जो हमारी चने की दाल है, चने की दाल ये हमारी है, वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। चने की दाल ऐड करने के बाद हमने इसमें हमारे पास पानी है, ठीक है, वाटर। तो अब वाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आपने लीटर पानी इसमें ऐड कर देना है। मतलब थोड़ा जैसे हमारा ये कुकर में बना रही हूँ तो हाफ हो जाए, बस इनफ है इसके लिए, इतना इनफ है। अच्छा जैसे कि ये देख रहे हैं कि हमारा जो इसमें चिकन हमने ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 onion है, ठीक है, ये हमने इसमें। इसके बाद हमारे ये मसाले जा रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया है और काला ज़ीरा है, ब्लैक ज़ीरा मेरा फेवरेट है, और काली मिर्चें हैं और 2 जो इसमें इलायची हैं और 2 इसमें लौंग है और 2 इसमें सिनेमन है, ठीक है। ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। तकरीबन ये हमारा 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। फाइनली तौर पे हमारा जो चिकन और चने की दाल थी वो मिल गल चुके हैं इस वक्त, और आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह दोनों मतलब बिल्कुल गल चुके हैं, ठीक है, और मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो इस वाले बर्तन में मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोग इसको पीस रहे हैं, ठीक है, इसको पीस रही हूँ मैं। फाइनली जो हमारे जो शामी कबाब थे वो बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इस पैन में जो है वो डाली, ये जो है हमने शामी कबाब इसमें मैंने डाल दिए। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर रही हूँ,